नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम अपने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम कवर कर रहे हैं और हमने अपना आर्टिकल 19 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली सबको पता होना चाहिए, स्पेशली जब पुलिस हमें अरेस्ट कर ले, अगर हमसे कोई क्राइम हो जाए तो हमारे पास कौन कौन से राइट, विच इज गिवन इन अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान ने हमें कौन से फंडामेंटल राइट इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। आर्टिकल 20 में ये प्रोवाइड कर रखे हैं, ये फॉरनर्स को भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई फॉरनर आएगा तो उसको ये राइट नहीं मिलेंगे, पुलिस उससे कैसा बिहेव करेगी इन सब में इसमें राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, और लीगल पर्सन कंपनी और कॉरपोरेशन के साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो इसमें ये राइट दे रखे हैं आर्टिकल 20 में। फॉरनर्स के राइट कौन कौन से जो नहीं मिले हुए हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये राइट फॉरनर्स को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा गया है, इसमें तीन प्रोविजन है, याद रखिएगा कितने प्रोविजन है, तीन, और तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई क्राइम हो गया, अगर वो लॉ में है तो उसके लिए ही, अगर वो लॉ में लिखा हुआ है तो वो क्राइम माना जाएगा, अगर लॉ में नहीं है तो वो उस टाइम क्राइम नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, उसके लिए पहले से कानून बना होना चाहिए। लिखा है ना, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। भाई अगर कानून लिखा हुआ है और लॉ का उल्लंघन हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसको क्राइम माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए अगर चोरी करी, चोरी हुई, उसका पेनल्टी ये है कि भाई 10,000 रुपये का फाइन है और 2 साल की सजा है, तो भाई इससे ज़्यादा कोई आपको सजा नहीं दे सकता। 10,000 का फाइन लगेगा और 2 साल की सजा है, तो ये यूनिवर्सल है कि भाई जब तक लॉ में लिखी हुई है ये चीज़ तब तक ये मानी जाएगी कि पेनल्टी उससे ज़्यादा नहीं लग सकती है कानून में जो लिखी है। नो डबल जियोपार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक क्राइम के लिए आपको बार बार, एक क्राइम के लिए आपको बार बार पेनल्टी नहीं दी जा सकती, मतलब आपको प्रोसिक्यूट नहीं करा जा सकता, पनिश नहीं करा जा सकता। मान लीजिए आपने क्राइम किया कोई भी, तो पुलिस आपकी सजा पूरी हो गई, फिर उसके बाद पुलिस को मन करे कि नहीं भाई फिर से लिया हो, तो ऐसा नहीं कर सकती। इसको कहते हैं नो डबल जियोपार्टी, एक क्राइम के लिए बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि आपने अगर ऑफेंस करा, तो अगर आपसे ऑफेंस हुआ है तो पुलिस आपसे जबरदस्ती ये नहीं कहलवा सकती कि भाई करा है या नहीं करा है। नो, लिखा है ना, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो अपने खिलाफ ही विटनेस नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पुलिस वहां तो मनवा लेती है पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोर्ट में जाके लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हुआ, तो कोई भी पुलिस आपसे जबरदस्ती नहीं कहलवा सकती कि आपने ऑफेंस करा है, आप इसको कबूल करिए। ठीक है, ये बात आर्टिकल 20 में लिखी हुई है। अब बात करते हैं ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो है, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी यूज हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे आज कोई लॉ लाए 2019 में और ये लिख दिया इस लॉ में कि भाई 2015 से जिन्होंने भी टैक्स नहीं दिया है उनको भी इसमें इंक्लूड करो, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से अप्लाई होना किसी पिछली डेट से। लेकिन ये सिर्फ सिविल लॉ में हो सकता है, सिविल कौन से, जो टैक्स से अथॉरिटीज होती हैं, जो क्राइम नहीं होते हैं वो सब सिविल लॉज में आते हैं, तो क्रिमिनल लॉज में आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कोई आज कानून लाए, मान लीजिए चोरी पे आज लॉ आया, तो ये नहीं कह सकते भाई ऐसे जो क्राइम पहले से हुए हैं 2015 से सबको लेके आओ, मर्डर हुआ तो ये नहीं कह सकते ऐसे जो क्राइम हुए हैं 2015 से सबको लेके आओ, नहीं, सिर्फ टैक्स वाले में कह सकते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट लॉ लाती है और कहती है कि भाई 2012 से या 13 से जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करती है उसमें जिन्होंने भी नहीं जमा किया है सबको इस पर अथॉरिटी को बात बताएं और बताएं कि क्यों नहीं जमा किया है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव में यूज होता है। लिखा है ना कि क्रिमिनल सिविल अथॉरिटीज पे हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल वाली अथॉरिटीज पे, क्रिमिनल लॉ पे नहीं हो सकता ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला। और ये जो इम्यूनिटीज हैं, ये जो इम्यूनिटीज हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन
क्या होता है, ये आर्टिकल 22 में आएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन दोस्तों उसको कहते हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया कि उस एरिए की अगर इंटीग्रिटी हार्मनी या उस इंटीग्रिटी की सस्टेनेबिलिटी उस एरिए की ख़त्म होने की वजह, उस पर्सन अगर माना जाता है कि इस पर्सन की वजह से उस एरिए की स्टेबिलिटी खराब हो रही है इंटीग्रिटी, तो उसको पहले अरेस्ट कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि क्राइम से पहले अरेस्ट करना, और प्यूनिटिव डिटेंशन उसे कहते हैं क्राइम के बाद अरेस्ट होना। तो इन दोनों में अंतर है, ये आर्टिकल 22 में विस्तार से आएगा, आप चिंता मत करिए इस बात की, वहां पर अच्छे से समझेंगे। तो इसमें कहा गया है कि ये जो प्रोसीडिंग है डबल जियोपार्डी, जो हमने पहले पढ़ा कि भाई एक क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं कर सकते, ये सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल में होगा, डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में ये लागू नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ, जैसे कोई सस्पेंड होता है और फिर उसकी सैलरी भी डाउन हो जाती है, सैलरी भी कम आने लगती है, तो ये क्या है, डबल जियोपार्डी है, तो ये डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए लागू नहीं होगा। अब बात करी गई है कि जो सेल्फ इंक्रीमेशन है ये ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी, पुलिस ओरली भी किसी को वो कर सकती है, सेल्फ इंक्रीमेशन कर सकती है और डॉक्यूमेंट भी दे सकती है। आपको कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट, थंब इंप्रेशन लेती है पुलिस, सिग्नेचर लेती है, ब्लड के सैंपल्स लेती है, तो ये सिर्फ ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मटीरियल ऑब्जेक्ट, थंब इंप्रेशन, एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी की मतलब बॉडी पे किसी ने अगर क्राइम कराया है, टैटू वैटू तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कोई न्यूज़ कोई खबर हमारे कंट्री की बाहर जा रही है, तो इस सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये लिखा है कि ये जो मैंने तीन चीज़ें बोली हैं आपको, मटीरियल ऑब्जेक्ट, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ब्लड सैंपल और एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए हैं, ठीक है, किसके लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग। अब मान लीजिए किसी ने टैक्स जमा नहीं करा पहले से, तो उससे थोड़ी कहेंगे कि भाई कपड़े उतार के दिखाओ या ब्लड के सैंपल दो, नहीं, तो ये सब सिविल प्रोसीडिंग के लिए। तो ये बात हुई आर्टिकल 20 की, और इसमें आपको पता लगा कि पुलिस के हमारे पास क्या राइट है अगर पुलिस अरेस्ट करती है, और क्या जैसे डबल जियोपार्डी की एक दो बार पनिशमेंट नहीं कर सकती किसी भी एक क्राइम के लिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली बात जबरदस्ती नहीं बुलवा सकती, और फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी हमारा एक राइट है आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 21 की बात होगी, और प्रिवेंटिव डिटेंशन अच्छे से आएगा आर्टिकल 22 में, ठीक है दोस्तों। मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।